दुकानदार प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, आखिर इन्हें प्रोडक्ट कैसे बेचें? मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, मेरा कस्टमर ख़राब है, मेरा मार्केट ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर मुझे अब कुछ और कर लेना चाहिए? और लोग यही गलती करके एक नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस, नया काम, नई नौकरी और कुछ ना कुछ करते हुए बाद में 3-4 साल 5 साल बाद याद आता है, यार ये गलती करी, वो गलती करी। और अगर मैं सही तरीके से सेल्स, मार्केटिंग और चैनल पार्टनर स्ट्रेटेजी को समझ लेता तो मैं अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल ग्रो कर पाता। अगर आप अपने फूड इंडस्ट्री में, FMCG में, मैन्युफैक्चरिंग में, लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं और आप कस्टमर को बनाते वक्त कई सारी गलतियां कर रहे हैं, कस्टमर आते हैं, चले जाते हैं, किस्मत से कोई कस्टमर मिलता है, आपका प्रोडक्शन इतना मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, डिमांड को फुलफिल आप करने का सोचते हैं पर आपके प्रोडक्ट आपके प्लांट पे रखे हैं, आपके घर पर रखे हैं और आज आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि रिटेल मार्केट में कैसे आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को कैप्चर करना है ताकि आप मार्केट में एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बना पाएं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, यह है नंबर वन स्ट्रेटेजी, लो टिकट टू हाई टिकट। आज हम मार्केट में जब भी जाते हैं देखते हैं हमारे पास में अदर रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स के साथ में होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं और वहां पर हम प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं, पर हमें एक इच्छा होती है कि भैया ये ऑर्डर दे दे, जैसे तैसे ऑर्डर आ जाए और हमारा ऑर्डर आ भी जाता है और कुछ लोग हमें क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, बाद में वो पेमेंट नहीं देते हैं, क्रेडिट पर माल रख लेते हैं और हम अपना एक ऑर्डर साइज नहीं बनाते हैं। इसीलिए एक मार्केटिंग में आप जब भी जाएं, सेल्स की जब भी फनल को बनाएं, आपको लो टिकट ऑर्डर से हाई टिकट ऑर्डर पर जाना होता है। आपको एक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी अपने मार्केट में, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते वक्त, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट करेंगे ना, सपोज आपके साथ में एक ऐसी इंसिडेंट होती है कि 50,000 रुपये का आपको एक जने ने ऑर्डर दे दिया, चाहे होलसेलर हो या रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, अब आपको वो 50,000 रुपये क्रेडिट पर रखने पड़े। क्रेडिट पर रखने के बाद में हुआ क्या, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, प्रोडक्ट रख दिया पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आपको कस्टमर और ज़्यादा बन सकते थे आपके, छोटे अगर आप ऑर्डर्स पे उनके साथ में जुड़ते तो वहाँ से कई लोग आपके साथ में रिपीट चलते, एक रिलेशनशिप बनता और एक कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म की गेम खेलते, पर आपने अपनी बाउंडेशंस बांध ली और हाई टिकट ऑर्डर ले लिया स्टार्टिंग में ही, अब उसकी वजह से आपके पास में वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है, आप कस्टमर्स नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना, हमेशा एक फनल बनाकर चलना। जब भी आप ऑर्डर साइज लेंगे छोटा तो आपके पास में कहीं ना कहीं आउटलेट जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और आप एक यूनिवर्सल आउटलेट्स की रीच बना पाएंगे, जिसमें FMCG सेल्स में आपके लिए ये पॉसिबल है ही कि आपको इस तरह से ऑर्डर साइज लेने हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली प्रोडक्शन को मार्केट में अपने सप्लाई के थ्रू या अपने मार्केट को कैप्चर करना है, तो ये चीज़ याद रखना, लो टिकट टू हाई टिकट लेना है। जब आपके पास में 100 कस्टमर्स होंगे तो आप फिर रिपीट पर जाएंगे, रिपीट सेल्स होना चाहिए फिर आपका, फिर उसके बाद में आपके पास में 3rd-4th time पर जो हाई टिकट ऑर्डर आएगा ये आपका रियल कस्टमर होगा, ये आपके साथ में चलेगा। तो एक फनल स्ट्रेटेजी होती है ये पूरी, जिसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला में डिकोड करता हूँ, प्रोडक्ट डोमिनेशन फार्मूला में, जिसको समझना होगा आपको। देखिए, आपके सामने कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंज आएंगे। मैं आपको अपनी ही एकेडमी में से एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक है रमेश जी हमारी एकेडमी में, वो नारनौल के रहने वाले हैं हरियाणा में, और वहाँ पर उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू करा मसालों का बिज़नेस शुरू कर लिया। और इस एकेडमी में आने से पहले ही प्लांट सेटअप करके बैठे हुए थे मार्केट में, बहुत सारे तरह से सब कुछ चीज़ें कर ली और एट द एंड क्या करना पड़ा उनको, एक प्लांट खुद का जो था ना, उस प्लांट पे वो क्या सोचे कि अब तो यार आटा चक्की टाइप के इस तरह के प्लांट को चलाओ, प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है या अपने को मार्केट में डिमांड नहीं मिल रही है। और थोड़े समय लगने के बाद में उन्होंने ये चीज़ भी लगा ली, उसके बाद में कुछ तरह से धीरे धीरे चीज़ें कम होती गई और मार्केट में उनका बिज़नेस बंद हुआ। फाइनली वो जब वेबिनार में आए, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करे और देन कामकाजी एकेडमी ज्वाइन करी, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैंने उनके बिज़नेस को ऑडिट करा और देखा उन्होंने पैकेजिंग अच्छी बनाई थी, प्रोडक्ट अच्छा था, पर उनके प्रोडक्ट की प्लेसमेंट नहीं थी मार्केट में, उनके पास में कोई सिस्टम नहीं था जिस सिस्टम को फॉलो करके वो मार्केट में कस्टमर्स को ग्रैब करें, वो सिस्टम नहीं था कि जिस तरह से मार्केट में दुकानों पर अपने कस्टमर्स बनाते हुए चलकर अपना एक अच्छा रिटेलर
होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाए, चैनल पार्टनर बनाए। वो उन्हें पता है नेगेटिव रूप से देखने लग गए थे चैनल पार्टनर्स को अपने, इस वजह से वो कभी ग्रो नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी यही बताऊंगा कि सबसे पहले इसी पॉइंट को फॉलो करें, अगर आपको बिजनेस में बड़ा बनना है तो लो टिकट ऑर्डर साइज रखें, हाई टिकट पर लेकर चलें, अपने अच्छे कस्टमर्स फाइंड आउट करें, इसी तरह से आपका बिजनेस बनता है। सेकंड स्ट्रैटेजी है, अगर आप रिटेल मार्केट को जीतना चाहते हैं तो आपको वन टाइम गेम नहीं खेलना है, आपको रिलेशनशिप गेम खेलना है। अगर आप शॉर्ट टर्म और आप अपने कस्टमर्स के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं, ये पूरा मैनेजमेंट है रिटेलर्स के साथ में, होलसेलर्स के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आपको क्या लगेगा, ये मेरा फ़ायदा उठाते हैं, ये मुझे आज बुला लेते हैं कल वहाँ पर ऑर्डर नहीं देते हैं, मैं इनके पास में प्रोडक्ट रख कर आता हूँ ये पैसा नहीं देते हैं टाइम पर, आप उनको नहीं समझ पाते हैं। और आप क्या करते हैं एट द एंड, अपने रिटेलर को होलसेलर्स को कहीं ना कहीं नेगेटिव बोलते हैं, और इसी वजह से दिमाग में बैठ जाती है भैया धंधे में ना जान नहीं है, चलो नया प्रोडक्ट लाते हैं, चलो नई मशीन लगाते हैं, चलो कस्टमर चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझना है कि कस्टमर वो चाहता है जो उसका कस्टमर उससे चाहता है, याद रखना इस बात को, कस्टमर वो चाहता है जो उसका कस्टमर उससे चाहता है, आप वो दे रहे हैं जो कि आप देना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप कंज्यूमर की थॉट को समझते हुए वो प्रोडक्ट लेकर जाएंगे दुकानों पे तो कस्टमर आपसे खरीदेंगे। सेकंड चीज़ इसी में समझिए कि आपको कस्टमर कंज्यूमर के मॉडल को समझना है। आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट तक ही काम ख़त्म नहीं हुआ है कि आपने दुकानों पे रखा प्रोडक्ट, काम ख़त्म, अभी तो काम शुरू हुआ है आपका। इसीलिए रिटेल मार्केट हो, होलसेल हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, बी टू बी मार्केट है ये पूरा, और दुकानों तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपको एक सिस्टम को समझना होगा। और ये प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आप अपने खुद के प्लेसमेंट को जब देते हैं दुकानों पर रखते हैं तो मर्चेंडाइजिंग करें, वहाँ पर मार्केटिंग करना शुरू करें, ताकि कंज्यूमर उनके पास जब आए ना तो वो कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट दिखाएं तो ऐसा नहीं कि पुश करें, पुश मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, कंज्यूमर पुल करना चाहिए आपके प्रोडक्ट को। इसीलिए आपको ऐसे स्ट्रेटेजीज लगाने होंगे, समझना होगा आखिर गेम क्या है रिटेल मार्केट का। आई होप आप क्लियर हो पा रहे होंगे यहाँ से कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनेंगे आपके बिजनेस में, और ये गलतियाँ आप कर रहे थे ऑलरेडी, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना। थर्ड स्ट्रेटेजी है, आपको अपने बिजनेस में एक फ़नल क्रिएशन पर फोकस करना होगा। आखिर फ़नल होता क्या है, अब आपके मन में विचार आया होगा, विचार आना भी संभव है क्योंकि नाम पहली बार आपने सुना हो है। आप YouTube पे देख रहे हैं, बहुत सारी जगह देख रहे हैं, बहुत सारे कोचेस कंसल्टेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मार्केटिंग सेल्स के अंदर अपने कस्टमर्स को मैं किस तरह से 100 कस्टमर्स का, 200 कस्टमर्स का, 500 कस्टमर्स का नेटवर्क बनाऊं और इस नेटवर्क में कस्टमर्स को लेकर चलूं। तो उसके लिए आपको फ़नल को बनाना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी सेल्स फनल, मार्केटिंग फनल में किस तरह से आप टारगेटिंग कर रहे हैं। आपको 80% ऑफलाइन फनल बनानी है, 20% ऑनलाइन फनल बनानी है, जहां आपको 20% कस्टमर ऑनलाइन आने चाहिए आपके पास में, चाहे वो B2B कस्टमर हो या B2C कस्टमर हो। अगर वो नहीं आते हैं इसका मतलब आपके पास में आज पावर नहीं है ऑनलाइन मार्केट की, आप स्ट्रगल करते जाएंगे। 80% आपका कस्टमर आपके पास में मार्केटिंग के थ्रू आना चाहिए, सेल्स विजिट के थ्रू आना चाहिए, मर्चेंडाइजिंग के थ्रू आना चाहिए, रेफरल आना चाहिए, इसके अलावा कस्टमर की एक्विजिशन आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि ये वर्ड क्यों मैंने ऐड करा यहाँ पर, जब मार्केट में हम कस्टमर्स को लाते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट होती है। अब वो कॉस्ट क्या हो सकती है, जैसे सपोज आपने कस्टमर्स को लेकर आए तो लो मार्जिन पे लेकर आए, एक ऑफर लेकर गए, हाई मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं रखी, या कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, स्कीम ऑफर डिस्काउंट्स के थ्रू लेकर आए, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको देना पड़ा है। और कुछ ना कुछ जब हम देते हैं तो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं और नए कस्टमर बनाने के लिए हमें वही फनल स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि भैया 100 कस्टमर आए नए, 100 में से 60 चले दोबारा रिपीट ऑर्डर पे, अब ये थर्ड टाइम में 30 ही रह गए, अब यहाँ पर हमें वापस 100 चाहिए, फिर वापस 60 रह जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, तो यहाँ जो 30 आए ना, पहले वाले 30 और इस बार वाले 30, ये 60 कस्टमर्स आपके लाइफ टाइम के लिए चलने चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। आपको क्या लगता है, पहले दिन से प्रॉफिटेबल होना चाहिए मैं?
अगर नहीं बना तो बिजनेस खराब, प्रोडक्शन खराब, बंद कर दो प्रोडक्शन। भाई साहब कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू देखो आप रिटेल काउंटर्स पे, ये जिंदगी भर यहां पर हैं, आप जिंदगी भर यहां पर हो, पर आपको क्या दिखता है, पहली बार में काटो, पहली बार में प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रिटेल मार्केट को समझना होगा, नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, चैनल पार्टनर स्ट्रैटेजी। आइए ज्वाइन करिए मास्टर क्लास को, स्क्रैच से सिखाऊंगा आपका बिजनेस बनाना, कि कैसे आपको बिजनेस बनाना है। 500 से ज़्यादा ब्रांड्स लॉन्च करवाए मैंने भारत के मार्केट में, मैं चाहता हूँ आप भी उनमें से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ओनर बने। आज कहीं पर भी कोई भी आपको ये स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाएगा कि कैसे आपको अपना बिजनेस बनाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या यहाँ पर मिस कॉल करिए इस नंबर पर और ज्वाइन करिएगा फ्री मास्टर क्लास को जब मास्टर क्लास होती है तो, और फिर आइएगा कामकाजी एकेडमी में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फनल सिस्टम सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीडी डिलीवरी का। यस, मनी लव स्पीड, याद रखिए जितना आप डिले रेस्पॉन्स करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, बाइंग पर उनके कहीं ना कहीं अफेक्ट आएगा सेकेंड सेल पर आपके। आज के समय आपको अगर अपना सिस्टम नहीं बनाया है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डिलीवरी में आपका विजिट सिस्टम नहीं है, सेल्स का सिस्टम नहीं है, दुकानों पर फोफो मॉडल नहीं हो रहा है कि भैया पुराना प्रोडक्ट रखा है तो उसको आगे रख कर आओ ना आप, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी। एक टाइम डिसाइड करके अपना स्ट्रक्चर बनाना होगा, और ये बनाते कैसे समझिए। एक दुकानदार के पास में गए तो अब वो दुकानदार पहली बार जानेगा पहचानेगा, सेकंड बार थोड़ा और जानेगा, थर्ड बार एक्शन लेगा वो आपके साथ में, तो वो अब जब एक्शन लेने लग गया है तब आप उसको छोड़ेंगे क्यों, और जब छोड़ रहे हैं तो बनाया ही क्यों था उसे, पहली बार में आपने कोई प्रॉफिट थोड़ी ना कमाया प्रोडक्ट बेचकर। तो ये चीज़ें आपको बनानी होगी, स्ट्रगल चल रहा है बंद करिए, ये 4-स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए अपने बिजनेस में, आज ही लगाइए। आई होप आप क्लियर हो पाए होंगे, और चाहे बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी हैं, कामकाजी एकेडमी को ज्वाइन करिए और इस एकेडमी में माहौल पाइए कि आपका मार्केट के किंग आप कैसे बनेंगे, चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे नेक्स्ट लेवल प्रॉफिटेबल बनना है अपने बिजनेस में। आई होप आपको आज इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। या एकेडमी को डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए सीधा ज्वाइन करिए।